स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, यूनिट डायमेंशन इन मेजरमेंट। तो ये जो टॉपिक है हमारे पास, ये फिजिक्स का बिल्कुल बेसिक यूनिट है और पूरी फिजिक्स में ये चैप्टर यूज में आता रहेगा। बिकॉज जैसे जैसे आप यूनिट्स पढ़ते जाते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज पढ़ते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा काइनेमेटिक्स के अंदर आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम कोई भी अदर क्वांटिटी, अदर यूनिट में जाते जाएंगे, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स मिलती जाएगी, जिसको आप बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। और उस यूनिट का हम डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर उसको मेजरमेंट में किस तरीके से यूज करें। यानी ये जो पूरा यूनिट है वो आपका तीन पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट रहेगा आपका यूनिट, कि हम यूनिट किस तरीके से बनाते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। सेकंड, हम उसका डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं। एंड थर्ड, मेजरमेंट में हम किस तरीके से यूनिट डायमेंशन का एंड एरर एनालिसिस का यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम टर्म पे बात करें, तो फर्स्ट टर्म इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी यानी हम फिजिकल क्वांटिटी किसको बोल सकते हैं। कोई भी क्वांटिटी इस तरीके की हो जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें नंबर एंड उसके किसी यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़े। यानी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर मल्टीप्लाई बाय इट्स यूनिट, ठीक है। तो नंबर तो आपका कॉन्स्टेंट होगा और यूनिट यानी वो किस क्वांटिटी को मेजर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लेंथ को मेजर करना है, किसको मेजर करना है, लेंथ को, तो हम किसका यूज करेंगे, स्केल का यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको बोला गया कि इस स्केल का लेंथ कितना है, स्केल का ही लेंथ हमें कैलकुलेट करना है, तो फिर हमारा लेंथ जो मेजर होगा वो मेजर आप कर सकते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट हो गए यूनिट्स, ठीक। लेकिन अगर आपको केवल ये बोला गया कि आप लेंथ कैलकुलेट करें, तो हमें इस ऑब्जेक्ट के मास की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, टेम्परेचर कितना उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइम कितना हो रहा है यानी सेकंड की हमें कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। यानी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए पर्टिकुलर नंबर एंड उसका यूनिट होता है। तो अगर आपने फुट स्केल की बात करा है, तो यहाँ पर फुट स्केल में 12 इंचेस होते हैं, तो 12 तो रहा इसका नंबर, और जो मेजर हम कर रहे हैं वो इंच में मेजर कर रहे हैं, तो 12 इंटू इंच, या सेंटीमीटर में अगर हम बात करें तो वी कैन राइट 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर मल्टीप्लाई बाय यूनिट से, ठीक। अब क्वांटिटी कितने तरीके की हो सकती है, हम उस पर बात करें। तो फर्स्ट हमारे पास होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल, और वी कैन से बेस क्वांटिटी। तो फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिसको डिराइव करने के लिए, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी अदर क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आपने समझा कि अगर हमें लेंथ मेजर करना है, तो अगर हमें केवल लेंथ ही मेजर करना है, तो हमें ऑब्जेक्ट के मास की, टेम्परेचर की, टाइम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। या अगर आपको इस वॉकर का केवल वेट मेजर करना है, तो हमें इसकी लेंथ की, टेम्परेचर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी ऐसी क्वांटिटीज जो किसी अदर फिजिकल, अदर फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, उन क्वांटिटी को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर रिप्रेजेंटेशन। यानी किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हमें किसी अदर क्वांटिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस टाइप की क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, मास, लेंथ, टाइम, ये अभी हम तीन क्वांटिटी को कंसीडर कर रहे हैं। इन तीनों क्वांटिटी को बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। और ये एग्जांपल अभी आपने समझा कि अगर आपको ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट करना है, तो हमें लेंथ और टाइम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑब्जेक्ट की अगर हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो ऑब्जेक्ट की मास की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। या अगर हमें टाइम मेजर करना है, तो
तो हम सीधे वॉच देख लेते हैं कि 30 सेकंड हुए, 30 मिनट्स हुए, 1 आवर हुआ, लेकिन उसके लिए फिर हमें मास या लेंथ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। यानी ऐसी क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी अदर क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इस टाइप की क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? बेस क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे बनता है फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, यानी बेस क्वांटिटी को या फंडामेंटल क्वांटिटी को जिस यूनिट से हम रिप्रेजेंट करेंगे वो उसकी क्या बन जाएगी? फंडामेंटल यूनिट। देखें ध्यान से आप, अगर हम जैसे मास मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, तो मास को आप मेजर कर सकते हैं किलोग्राम में, ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। लेंथ अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो लेंथ आप मेजर कर सकते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है, फुट में मेजर कर सकते हैं। तो ये सब इसकी क्या बन गई? इसकी बन गई फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक, तो पहली क्वांटिटी वो जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी अदर क्वांटिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो, इस टाइप की क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी। और जो उस क्वांटिटी का यूनिट रहेगा उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिराइव्ड क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी वो क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है या एक से ज्यादा क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम मेजर करते हैं एरिया, ठीक है, डेफिनेशन पे अगर हम बात करें तो डिराइव क्वांटिटी, क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड more than one fundamental quantity for representation. ठीक है, यानी quantity जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक से ज्यादा मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इस टाइप की क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें स्पीड की, ठीक है, तो स्पीड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? स्पीड का बेसिक फॉर्मेट होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का बेसिक फॉर्मेट है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस आपका हो गया लेंथ, यानी ये मीटर में कैलकुलेट होगा, एंड अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम आपने सेकंड में कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पर एक इसका यूनिट बनकर आया मीटर पर सेकंड। क्वांटिटीज की अगर हम बात करते हैं तो स्पीड दो फिजिकल क्वांटिटी, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड किया है, फर्स्ट इज डिस्टेंस, सेकंड इज टाइम। और अगर आप इसको यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे यूनिट बनेगा इसका मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किन क्वांटिटीज की टर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डिराइव क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मोर देन वन क्वांटिटी, मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। और जो इसका यूनिट होगा उसको बोला जाएगा डिराइव यूनिट। यूनिट को क्या बोलेंगे? डिराइव यूनिट। Derived unit to represent derived quantity. derived quantity को represent करने के लिए जिस unit का use किया जाता है is known as
ठीक है। तो यहां पर बात हुई डिराइव्ड क्वांटिटी एंड फंडामेंटल क्वांटिटी की। ठीक, अब एक छोटा सा एग्जांपल कि जो हमारी क्वांटिटीज आती हैं वो किस तरीके की हो सकती है। कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जो केवल काउंटेबल होती है, कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जो मेजरेबल भी होती है, यानी जिसको मेजर भी कर सकते हैं, और कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिसको आप काउंट भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। अगर हम सिंपल एग्जाम्पल से समझे तो अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें कि यहाँ पे दो एप्पल्स आपके पास रखे हुए हैं, आपके पास केवल एक एप्पल था स्टार्टिंग में, एक एप्पल और आपके पास आ गया, तो अब आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी एप्पल्स डू यू हैव, एंड योर आंसर इज टू एप्पल्स। ठीक है, लॉजिक आप समझना, हम सिमिलर क्वांटिटी को ही सिमिलर क्वांटिटी के साथ ऐड कर सकते हैं। लॉजिक ये है कि आप सिमिलर क्वांटिटी को ही सिमिलर क्वांटिटी के साथ ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से एक एप्पल है, एक एप्पल और आ गया, तो आपके पास कितने एप्पल हो जाएंगे, टू एप्पल्स। ठीक है, लेकिन अगर हम सेकंड एग्जांपल पे बात करें तो सेकंड एग्जांपल में आपके पास एक तो है वाटर बॉटल, एक है एप्पल और एक है आपके पास वाटरमेलन। अब आपको बोला गया कि तीनों को ऐड करो, तो आप इन तीनों को ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज तीनों डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, आप एप्पल के साथ एप्पल ऐड कर सकते हो, वाटरमेलन के साथ वाटरमेलन ऐड कर सकते हो, बोटल के साथ बोटल ऐड कर सकते हो, लेकिन आप बोटल एप्पल और वाटरमेलन तीनों को एक साथ ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक ये बनता है कि आप सिमिलर क्वांटिटीज को ही सिमिलर क्वांटिटी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टाइम के साथ टाइम को ऐड करना है तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास लेंथ है 100 मीटर, सेकेंड दूसरा लेंथ आपने लिया 50 मीटर, दोनों लेंथ को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो 100 मीटर प्लस 50 मीटर टोटल बन जाएगा 150 मीटर, यानी सिमिलर क्वांटिटी ऐड हो सकता है। ठीक है, इस एग्जांपल को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मानो जो फर्स्ट एप्पल आपने लिया था, ये फर्स्ट एप्पल है 200 ग्राम का और जो सेकेंड एप्पल है वो भी है 200 ग्राम का, तो अगर आप काउंटिंग में बात करते हैं तो आपके पास दो एप्पल हो गए, और अगर आप मास में बात करते हैं, यानी जब आप मेजर कर रहे हैं, मास मेजर कर रहे हैं, तो मास में बात अगर कर रहे हैं तो अगर फर्स्ट का मास हम 200 ग्राम कंसीडर कर रहे हैं, सेकंड का भी 200 ग्राम कंसीडर कर रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 400 ग्राम। तो यहाँ पे लॉजिक आपका सिंपल है, यानी आप सिमिलर क्वांटिटी को ही सिमिलर क्वांटिटी के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर क्वांटिटीज डिफरेंट है तो आप इन सबको ऐड नहीं कर सकते। आप यही बोलोगे सिंपल से कि फर्स्ट एक तो हमारे पास बोतल है, एक हमारे पास एप्पल है और एक हमारे पास वाटरमेलन है। ठीक, अब सेकंड पॉइंट ये आता है कि क्या डिफरेंट क्वांटिटीज को ऐड किया जा सकता है। जैसे अगर हम एप्पल में बात करेंगे तो एप्पल आएगा आपका मास में, यानी ग्राम में, किलोग्राम में। ठीक है, अगर वाटरमेलन की बात करेंगे तो आपने मान लिया कि ये 3 किलोग्राम का है। ठीक है, लेकिन अगर आप मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि ये आएगा लीटर में या मिलीलीटर। ठीक है, तो आपने बोला 500 ml। तो अगेन आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि अगर आप मिल्क मेजर कर रहे हैं तो वो वॉल्यूम में मेजर होता है, वॉल्यूम में मेजर होगा तो उसका जो यूनिट आप लेंगे वो आपको या तो मीटर लेना, मिलीलीटर लेना होगा या लीटर लेना होगा। सेकेंड, अगर आप कोई मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो मास आपका किलोग्राम या ग्राम में कैलकुलेट होगा। ठीक है, क्या हम एग्जाम्पल समझ पाए? बिल्कुल, आप ये ध्यान दें, क्वांटिटीज हमारे पास दो तरीके की है, एक है फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए हमें अदर किसी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सेम क्वांटिटी से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड आता है आपके पास डिराइव क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी जिसको एक से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपने लिया सिंपल सा, स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, फिर हमने इसको एग्जांपल से समझा कि सिमिलर क्वांटिटीज ऐड होती हैं, डिसिमिलर क्वांटिटीज को हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि हमारे पास सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर अवेलेबल है। ठीक है, तो हम डेफिनेशन लिखेंगे यूनिट का। ठीक है, यूनिट, हम यूनिट किसको बोलते हैं, रेफरेंस ऑफ मेजरमेंट इन विच
क्वांटिटी इज रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेड नॉन एज सिस्टम ऑफ यूनिट। ध्यान देना डेफिनेशन पे। डेफिनेशन में हमने लिखा है कि रेफरेंस ऑफ मेजरमेंट इन विच अ फिजिकल क्वांटिटी और अ क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड नॉन एज सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है यूनिट की। अब यूनिट आप डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? उस पर ध्यान दें। साइंटिस्ट ने तीन सिस्टम बनाए हुए। फर्स्ट इज MKS सिस्टम, ठीक है। सेकेंड इज CGS सिस्टम एंड थर्ड इज FPS सिस्टम, ठीक। और तीन ही बेसिक क्वांटिटीज हमने डिस्कस करी है, जो बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी है। वो क्वांटिटीज आपने डिस्कस करी है, मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट, तीन सिस्टम ऑफ यूनिट है, MKS, CGS एंड FPS, और इन तीनों से आप मास, लेंथ एंड टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से कैलकुलेट करें वो हम समझते हैं। सबसे पहले आपने लिखा सिस्टम ऑफ यूनिट, फर्स्ट सिस्टम इज MKS सिस्टम, सेकेंड इज CGS सिस्टम, थर्ड सिस्टम इज FPS सिस्टम। अब इन तीनों सिस्टम में आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि मास का यूनिट क्या रहेगा, लेंथ का यूनिट क्या रहेगा एंड टाइम का यूनिट हम क्या कंसीडर करेंगे। तो ध्यान रखना, MKS सिस्टम में मास रिप्रेजेंट होता है किलोग्राम। MKS सिस्टम में मास किस में रिप्रेजेंट होता है? किलोग्राम, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। तो हम यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म लिख रहे हैं, रिप्रेजेंट होगा किलोग्राम। सेकेंड आता है लेंथ। तो लेंथ जिस फिजिकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट होती है वो फिजिकल क्वांटिटी है मीटर, ठीक है। थर्ड हम रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को। तो MKS सिस्टम में टाइम रिप्रेजेंट होता है बाय यूनिट सेकेंड, यानी सेकेंड से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड सिस्टम इज CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में मास हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राम, ठीक। लेंथ हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर एंड टाइम रिप्रेजेंट होता है इन टर्म्स ऑफ सेकेंड। थर्ड सिस्टम इज FPS सिस्टम, फुट पाउंडल सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। तो यहां पर मास रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ पाउंड, डिस्टेंस रिप्रेजेंट की जाती है इन टर्म्स ऑफ फुट, यानी जो लेंथ होता है वो फुट में मेजर होता है, और जो टाइम मेजर होता है वो होगा मेजर सेकेंड। तो तीन सिस्टम हमारे पास थे, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और FPS सिस्टम, जिसमें आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज मास, लेंथ एंड टाइम को डिफरेंट डिफरेंट यूनिट से रिप्रेजेंट कर दिया। नोट करें, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे पास कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी से आपने इनको रिप्रेजेंट किया है। अब अगर हम बात करें कि इनका यूनिट हम क्या कंसीडर करते हैं, यूनिट हम क्या कंसीडर करते हैं, तो किलोग्राम आपका रिप्रेजेंट होता है केजी से, मीटर आप रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम, सेकेंड टाइम हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। तो सेकेंड तीनों केस में स्मॉल एस से ही रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। ग्राम, ग्राम को रिप्रेजेंट किया जाता है जी से,
सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट हम करते हैं सी एम से, फुट रिप्रेजेंट होता है एफ से, और पाउंड रिप्रेजेंट होता है एल बी से। ठीक है, तो ये बन गए इनकी यूनिट्स कि अब किलोग्राम, मीटर, ग्राम, सेंटीमीटर, फुट, पाउंड, ये सब तो है फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं यूनिट का। तो किलोग्राम का जो यूनिट रहेगा उसको आप केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर एम से रिप्रेजेंट होता है, सेंटीमीटर सीएम से रिप्रेजेंट होगा, ग्राम जी से रिप्रेजेंट होगा, पाउंड एलबी से रिप्रेजेंट होगा, और जो फुट है वो एफ से रिप्रेजेंट होगा। ठीक, तो तीन क्वांटिटीज तो बना ली और तीन सिस्टम भी बना लिए, लेकिन कई क्वांटिटीज ऐसी बनी, ऐसी थी जो इन तीनों के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं हो सकती। जैसे अगर हम बात करते हैं करंट, तो करंट का बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में। तो करंट इज नॉन एज आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, दैट मीन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज करंट। यानी करंट को डिफाइन करने के लिए हमें चार्ज और टाइम की रिक्वायरमेंट है, लेकिन चार्ज हमारे पास नहीं है, चार्ज को हम मास से भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते या लेंथ से भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो फिर करंट को हमें एक अदर क्वांटिटी मानना पड़ा। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए ये जो मार्कर है इसका टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर हम मास, लेंथ या टाइम की टर्म में सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एक अदर फिजिकल क्वांटिटी एंड अदर उस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड यूनिट की रिक्वायरमेंट पड़ी। ठीक है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है आपका इन टर्म्स ऑफ मोल, उसको आप लेंथ टाइम में रिप्रेजेंट या मास में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो डिफरेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इन तीन फिजिकल क्वांटिटी के अलावा भी अदर क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो साइंटिस्ट ने एक नया सिस्टम यहाँ पे बनाया जिसको बोला गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको एसआई सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, और ये फॉर्म हुआ है 1960, यानी 1960 के बाद जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसका नंबर बढ़ गया। तो अब एसआई सिस्टम में 7 तो है फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको आप फिजिकल यानी जो फंडा फिजिकल आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो 7 तो है इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंड दो है यहां पर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, तो एक नया सिस्टम बनाया गया ऐसे सिस्टम ताकि हम सभी क्वांटिटीज को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर सके। तो ऐसा ही सिस्टम के अंदर 7 तो है आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दो है आपके पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो पहले हम देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है। तो क्वांटिटी फर्स्ट मास, सेकेंड लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिक्स्थ टेम्परेचर, एंड सेवेंथ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये 7 क्वांटिटीज हमारे पास। अब 7 क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इनके लिए यूनिट भी रहेगा, और यूनिट को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमें बताना होगा। तो यूनिट्स एंड देयर सिंबल, ध्यान दें मास हम रिप्रेजेंट करते हैं एसआई सिस्टम में किलोग्राम में, जो सिंबल रहेगा उसको आप केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ हम रिप्रेजेंट करते हैं मीटर में एंड सिंबल इज स्मॉल एम, टाइम रिप्रेजेंट होता है सेकेंड में,
एंड सिंबल इज एस फोर्थ. इलेक्ट्रिक करंट हम रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर एंड सिंबल इज कैपिटल ए. नाउ नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मोल एंड सिंबल इज एम ओ एल. नेक्स्ट टेम्परेचर. सो टेम्परेचर हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ केल्विन एंड रिप्रेजेंट होता है सिंबल कैपिटल के. ल्यूमिनस इंटेंसिटी. सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूनिट इज कैंडिला एंड सिंबल इज सी. नोट करें. तो ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो एसआई सिस्टम के अंदर डिफाइन करी हुई. नोट करें. नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट हमने समझा फंडामेंटल क्वांटिटी. नाउ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी. तो यहां पे दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है. फर्स्ट इज प्लेन एंगल एंड सेकेंड इज सॉलिड एंगल. फर्स्ट क्वांटिटी इज प्लेन एंगल, सेकेंड क्वांटिटी इज सॉलिड एंगल. तो प्लेन एंगल अगर हम रिप्रेजेंट करें तो अगर हम किसी आर्क को कंसीडर करते हैं, मान लीजिए हमने एक सर्किल कंसीडर किया और सर्किल के लिए रहा आर्क, 2D प्लेन में बन रहा है, 2D स्ट्रक्चर में हम बात करें, यहाँ जो एंगल होगा जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, तो यूनिट बनता है एंगल का रेडियन. ठीक है. एंड जो सिंबल रहेगा वो आप रिप्रेजेंट करते हैं आर ए डी से. यानी प्लेन एंगल रिप्रेजेंट होता है रेडियन की टर्म में और उसका सिंबल रहता है आपका आर ए डी. ठीक. अब प्लेन एंगल हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. एंगल सब्सटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल. यानी सर्कल के सेंटर पे किसी भी आर्क के कारण जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलते हैं. सेकेंड टर्म हमारे पास आता है सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल के लिए जो यूनिट बनता है तो सॉलिड एंगल का यूनिट रहता है स्टेरेडियन, जिसको आप एस आर से रिप्रेजेंट करते हैं. अब सॉलिड एंगल बनता क्या है उसको आप समझे. अगर हम बात करते हैं कोण, मान लीजिए हमने कोण कंसीडर किया कुछ इस तरीके से. अब ये जो कोण का बेस है यहाँ पे कुछ एरिया फॉर्म करेगा. ठीक है. अब जो सॉलिड एंगल की अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड एंगल यहाँ का एंगल होगा जिसको आप ओम से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक. इसका रेडियस आपने कितना कंसीडर किया, आर कंसीडर किया. एक बार हम प्लेन एंगल पर हैं, यहाँ पे जो एंगल रहेगा वो तो है थीटा. जो आपने रेडियस कंसीडर किया सर्किल का वो आपने रिप्रेजेंट किया आर. तो क्या आप आर्क लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं. ये आपने बेसिक मैथ में ही पढ़ा है कि आर्क लेंथ वी कैन कैलकुलेट. सो एल हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ आर एंड थीटा, जहाँ थीटा होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रेडियन. सिमिलरली अगर आपको दिया गया सॉलिड एंगल तो सॉलिड एंगल का बिल्कुल बेसिक एग्जांपल क्या है, वो है कोण. वैसे कोण का जो टॉप है वहाँ से बेस पे कितना एंगल बन रहा है और आप इस बेस एरिया को अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. ठीक है. तो इस एरिया को आपने रिप्रेजेंट किया ए, द वैल्यू विल बी ओम पाई आर स्क्वायर. ठीक. कंप्लीट स्फीयर का जो सॉलिड एंगल बनेगा तो कंप्लीट स्फीयर का सॉलिड एंगल होता है आपका 4π. तो अगर आप इस पूरे आर्क को, पूरे इस आर्क को कंसीडर कर लें, ठीक है, यानी पूरे इस कोण को ही कंसीडर कर लें कि पूरे ऑब्जेक्ट
यहाँ पे आर रेडियस का ही बन रहा है, तो ये जो कंप्लीट एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, नाउ अगर हम एक टॉर्च यहाँ पे लाइट करते हैं तो टॉर्च का बीम कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है, जैसे जैसे उसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी बीम भी अपना एरिया को बढ़ाती जाएगी। अब डिफरेंट डिफरेंट एरिया पर, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पर अगर आप एरिया कंसीडर करो, मान लीजिए फर्स्ट एरिया आपने यहाँ कंसीडर किया, सेकेंड एरिया हमने यहाँ पे कंसीडर किया, और जो लेंथ है सेंटर से जो एंगल बन रहा है वो तो आपका होम ही, ठीक है, और जो लेंथ है वो आपने कंसीडर किया कि फर्स्ट तक का जो लेंथ है वो आर और सेकेंड तक का जो लेंथ है वो भी आर, इस एरिया को आपने कंसीडर किया ए वन एंड सेकेंड एरिया इज ए टू, तो क्या ए वन और ए टू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ए वन का वैल्यू रहेगा ओम इंटू आर स्क्वायर, ए टू अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे जो एंगल सबटेंडेड बाय जो स्टेर रेडियन है, यानी जो सॉलिड एंगल है उसका डेफिनेशन क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय या सबटेंडेड ऑन सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है, तो स्फीयर के सेंटर पे अगर आप इसको कंप्लीट ऑब्जेक्ट में कंसीडर करें तो यहां पर एक स्फीयर बन जाएगा, तो यहां पे ए टू एरिया में कितना मिलेगा, ओम मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन इज टू आर स्क्वायर, सो फोर ओम आर स्क्वायर, तो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पर आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, नोट करें। नाउ नेक्स्ट इज डायमेंशन, सो ऑल डिराइव्ड क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कहने का मतलब ये है कि जितनी भी आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज थी उन सबको हम फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिख सकते हैं, और फंडामेंटल क्वांटिटी के पर्टिकुलर होते हैं डायमेंशन। अब डायमेंशन किस तरीके से बनते हैं उसको भी हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं, ध्यान से सुने, ऑल डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, और फंडामेंटल क्वांटिटी की जो भी आपके डायमेंशन रहेगा उसके प्रोडक्ट में आ जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा और उसकी डिफरेंट पावर की फॉर्म में चला जाएगा। किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करें इस बात को आप समझे, कि जैसे अगर हम बात करते हैं क्वांटिटी की, तो कोई भी क्वांटिटी अगर है तो उसके साथ उसका डायमेंशन भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान दें किस तरीके से, जैसे अगर हम मास को रिप्रेजेंट करें तो मास आपका किलोग्राम में रिप्रेजेंट होता है और उसका डायमेंशन बनता है कैपिटल एम। सेकेंड अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेंथ को, तो लेंथ मीटर में आता है और उसका डायमेंशन बनता है एल। थर्ड हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाइम को, तो टाइम आता है सेकेंड में और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट आप रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एम्पियर और उसका डायमेंशन बनता है ए। फिफ्थ नंबर मॉल, जो आपने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखा था तो उसका डायमेंशन रहता है मॉल, अब यहाँ पे मेंशन कर लें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हमने अभी पढ़ा है कि हमारे पास सेवन तो है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड टू है आपके पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, तो जो कुछ क्वांटिटीज और रिमेनिंग है उसको भी हम स्टडी कर लें। सो क्वांटिटी एंड देयर डायमेंशन, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नाउ नेक्स्ट इज टेम्परेचर, तो टेम्परेचर आपने रिप्रेजेंट किया था केल्विन में और उसका डायमेंशन रहता है के। नेक्स्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी लाइट की इंटेंसिटी, सो यूनिट इज कैंडेला और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सी डी सी। इसके बाद हमारे पास दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, फर्स्ट इज पेन एंगल, सेकेंड इज सॉलिड एंगल। सो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल को आप रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियन एंड स्टे रेडियन,
लेकिन अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी डायमेंशन नहीं होता, यानी जो डायमेंशन है इसका वो एम जीरो एल जीरो टी जीरो, यानी यहाँ पे प्लेन एंगल एंड स्टेरेडियन यानी थीटा आप लिखते हैं रेडियन एंड सॉलिड एंगल आप रिप्रेजेंट करते हैं स्टेरेडियन में, तो इनके पास यूनिट्स तो है लेकिन इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं है। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अभी हमने समझा था कि डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटी की टर्म से डिराइव की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। तो अब डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या करता है, इस बात को हम समझें कि डायमेंशनल फॉर्मूला रिप्रेजेंट हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज, यानी हाउ किस तरीके से एंड कौन कौन सी बेस क्वांटिटी आर इंक्लूडेड इन अ क्वांटिटी, यानी जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी हम बना रहे हैं उसके अंदर, जो भी डिराइव क्वांटिटी हम बना रहे हैं उसके अंदर बेस क्वांटिटी कितनी पावर में एड है और कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज वहां पर एडेड है। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स यहां पे डिस्कस करना चाहते हैं। सो लेट कंटिन्यू विद द एग्जांपल्स। तो हम यूनिट एंड डायमेंशन दोनों को एक साथ ही समझ रहे हैं, अब इस बात पर ध्यान देना। जैसे अगर हम फर्स्ट टर्म दें, फर्स्ट टर्म हम एक सिंपल सा कंसीडर करते हैं एरिया। ठीक है, अब एरिया अगर आप एक स्क्वायर का कंसीडर कर लें तो एरिया का वैल्यू बनेगा एल स्क्वायर, स्क्वायर की टर्म में जो वैल्यू रहेगा एरिया का वो रहेगा एल स्क्वायर। अब जो एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर में एरिया का जो यूनिट है वो क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम बात करते हैं डायमेंशन की, यानी जो यूनिट है आप उसको डायमेंशन में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एरिया के लिए आपने लिखा, पहली बात तो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा जाता है, ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है, यानी ये जो टर्म है ये रिप्रेजेंट कर रही है डायमेंशन ऑफ एरिया। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमेंशन ऑफ एरिया, यानी बॉक्स के अंदर बिग ब्रैकेट के अंदर कोई भी क्वांटिटी लिखा है यानी वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायमेंशन ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसका जो यूनिट आपका बना है वो किस टर्म में आ रहा है, मीटर में आ रहा है, और मीटर को हम सिंबल टर्म में क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं। ठीक है, और उसका है स्क्वायर, तो डायमेंशन क्या रहा है इसका, एल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी का यूनिट एंड डायमेंशन दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। और आगे समझिए, मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम, डायमेंशन किसका कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम का। सो वॉल्यूम का पहले यूनिट बताएं कितना हो, जैसे अगर हम किसी क्यूब के वॉल्यूम की बात करते हैं तो आता है वो एल क्यूब। ठीक है, यानी जो यूनिट बनेगा वॉल्यूम की टर्म में वो रहता है मीटर क्यूब। ठीक, अब अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज मीटर, मीटर का सिंबल एल, तो यहां पर टर्म बनना चाहिए आपका एल क्यूब। ठीक है, तो एरिया अगर हमें दिया गया तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर यानी एम मीटर, मीटर के लिए सिंबल क्या लगेगा, एल, तो यहाँ पे जो डायमेंशन रहा वो एल स्क्वायर। वॉल्यूम की टर्म में अगर हम बात करें तो वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब और उसका डायमेंशन एल क्यूब। नेक्स्ट, फिर आपने क्वांटिटी पढ़ी है स्पीड। ठीक है, अब स्पीड हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड आप रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्टेप। ठीक है, तो अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस किस में आएगा, इन टर्म्स ऑफ मीटर, और टाइम किस में आएगा, इन टर्म्स ऑफ सेकंड। तो यूनिट क्या रहा, मीटर पर सेकंड, यानी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एम एस इनवर्स। अब हम बात करते हैं डायमेंशन की, तो स्पीड की डायमेंशन क्या रहेगी, मीटर किस में आएगा, लेंथ में, एल में, और इसका कितना पावर है, वन। टाइम किस में आएगा, टी में, उसका कितना पावर है, माइनस वन। तो डायमेंशन क्या बना, एल वन टी माइनस वन। फोर्थ, आपने को डायमेंशन कैलकुलेट करना है एक्सीलरेशन का,
ठीक है। तो एक्सेलरेशन हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को आप स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एक्सेलरेशन आपको सॉल्व किया जाता है वेलोसिटी अपॉन टाइम से, ठीक है। तो वेलोसिटी एंड स्पीड अगर आप दोनों की बात करते हैं तो स्पीड आपका फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी बनता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दोनों का यूनिट रहता है मीटर पर सेकेंड, यानी जो डायमेंशन है वो सिमिलरली आपको मिलेगा। ध्यान दें, वेलोसिटी आप रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट मीटर पर सेकेंड में, टाइम रिप्रेजेंट होता है सेकेंड में। तो अगर हम एक्सेलरेशन की यूनिट की बात करते हैं देन वैल्यू विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वी कैन राइट एम एस पावर माइनस। तो ये तो रहा यूनिट। अब हम बात करते हैं डायमेंशन की। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन मीटर आप लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एल, एम का कितना पावर है, एम का पावर है 1, आपने लिख दिया। सेकेंड, सेकेंड सेकेंड के लिए रिप्रेजेंट होगा टी से, उसका कितना पावर है माइनस 2। तो आप एक्सेलरेशन का डायमेंशन कैलकुलेट हुआ एल वन टी माइनस 2, नोट करें। आपसे पूछा गया डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो फोर्स का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला आपको क्या पता है। तो फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, यानी वी कैन राइट एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए। क्या मास के लिए आपको यूनिट पता है, यानी सबसे पहले हमने क्या किया कि कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी थी, अब ये जो फोर्स है वो आपका एक तरह से डिराइव क्वांटिटी है। डिराइव क्वांटिटी का मतलब हमें मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट पड़ी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। तो फोर्स आपने लिखा एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास का यूनिट, तो मास का यूनिट क्या आता है किलोग्राम, ठीक है। और एक्सेलरेशन का यूनिट अभी आपने सॉल्व किया था, वैल्यू क्या मिला था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यूनिट आपने कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करते हैं डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन किलोग्राम, किलोग्राम मास को रिप्रेजेंट करता है और मास हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज जो वैल्यू बना है वो एम एल टी की फॉर्म में आएगा, ठीक। तो ये रिप्रेजेंट होगा एम, किलोग्राम में कितना पावर 1 पावर। सेकेंड मीटर, मीटर रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, तो अगेन मीटर में पावर 1, तो एल में पावर 1। थर्ड सेकेंड, सेकेंड रिप्रेजेंट करता है टाइम को, तो ये एम एल टी की फॉर्म में बनेगा, एंड टाइम माइनस, ठीक है। तो फोर्स के लिए हमें डायमेंशन मिला m1 l1 t माइनस 2। हमें कैलकुलेट करना है डायमेंशन ऑफ वर्क, तो वर्क का कोई भी फॉर्मूला जो आपको याद हो, जैसे सिंपल सा फॉर्मूला है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क को रिप्रेजेंट करता है, और वर्क हम w से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वर्क w इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स इनटू एक्स, ये डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अब फोर्स का फॉर्मूला यूनिट क्या बनता है, किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2। आपने लिखा यहाँ पे किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 2, एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किस में आएगा, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, और डिस्टेंस आप किस में सॉल्व करते हैं, मीटर में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो बेसिक फॉर्मेट रहा वो आपको मिला किलोग्राम मीटर स्क्वायर एंड सेकेंड माइनस 2। तो ये वर्क के लिए क्या रहा, यूनिट बन गया। अब इसका क्या डायमेंशन सॉल्व किया जा सकता है, तो डायमेंशन ऑफ वर्क, ध्यान देना किलोग्राम किस में आएगा डायमेंशन, एम में पावर 1 मीटर स्क्वायर, तो एल 2 टाइम माइनस 2। तो सेकेंड माइनस 2 लिखा है तो उसको आप टाइम माइनस 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेकिन ध्यान दें, फोर्स का एक यूनिट और आता है जिसको आप न्यूटन एंड डाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर इसका एक प्रैक्टिकल यूनिट भी है जिसको आप न्यूटन भी बोलते हैं, यानी जो यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको आप न्यूटन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
सिमिलरली वर्क अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वर्क का यूनिट सोल्व हुआ है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू से। ठीक है, अब इस बात पे ध्यान देना कि जो वर्क आता है वो आप जूल में भी कैलकुलेट करते हैं, जिसको आप जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे वर्क का एक प्रैक्टिकल यूनिट भी है, या इस यूनिट को जो बोला गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू को, उसको आप जूल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वांटिटी इज लास्ट आपने पढ़ा है वर्क, नाउ सेवन पावर। पावर हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। ठीक है, अगर आप इसका फॉर्मूला ध्यान दें तो पावर कैलकुलेट किया जा सकता है वर्क अपॉन टाइम से। ठीक है, और वर्क के लिए आपने यूनिट अभी सॉल्व किया, तो वर्क के लिए यूनिट क्या बना था किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस टू, और टाइम आप किस में रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे यूनिट क्या फॉर्म हुआ पावर के लिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस माइनस थ्री। तो पावर का डायमेंशन लिखा जा सकता है किलोग्राम रिप्रेजेंट होगा एम वन से, लेंथ एल टू एंड टाइम टी माइनस। अगेन ये जो यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस थ्री, इसको हम वाट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल रहता है डब्ल्यू। ठीक है, यानी जो पावर है वो वाट में भी रिप्रेजेंट की जाती है। नोट करें, नेक्स्ट टर्म इज मोमेंटम। मोमेंटम आप रिप्रेजेंट करते हैं मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी से। इससे रिप्रेजेंट करते हैं मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट यहाँ पे बन जाएगा, बिकॉज मास हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम में, और वेलोसिटी किस में रिप्रेजेंट करते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पे यूनिट बन गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और अगर हम बात करते हैं डायमेंशन की, तो मोमेंटम का डायमेंशन रहेगा किलोग्राम को आप लिखेंगे एम वन मीटर एल वन एंड टाइम टी माइनस वन। तो मोमेंटम का डायमेंशन भी आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट इसके बाद आता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को आपने रिप्रेजेंट किया था थीटा से। इसे रिप्रेजेंट किया है थीटा से, तो नाइन नंबर प्लेन एंगल। इसको आपने रिप्रेजेंट किया है थीटा से। इसी प्लेन एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो भी किससे रिप्रेजेंट होता है थीटा से ही रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अगर आप यूनिट की बात करोगे तो यूनिट यहाँ पे क्या रहेगा रेडियन, बिकॉज एंगल हम किस में मेजर करते हैं रेडियन में मेजर करते हैं, तो यूनिट रहेगा यहाँ पर रेडियन। एंड अगर हम डायमेंशन की बात करें तो प्लेन एंगल का डायमेंशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन डायमेंशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, एम जीरो एल जीरो टी पावर जीरो। बिकॉज हम पहले समझ चुके हैं कि जो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है ये आपके सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के डायमेंशन स्पेसिफाइड नहीं है, यानी जो डायमेंशन होता है वो जीरो होता है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका डायमेंशन भी क्या रहेगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी। अब एक पॉइंट का ध्यान देना,
कि हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट आप रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बाई टी से, एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करते हैं वी बाई टी से। तो सिमिलर पैटर्न हमारे पास जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, एंगुलर मोशन पढ़ते हैं तब भी चलता है। यानी प्लेन एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आपने किससे रिप्रेजेंट किया? थीटा से रिप्रेजेंट किया। एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंट होता है ओमेगा से, ठीक है। और वेलोसिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेफिनेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा पर यूनिट टाइम, ठीक है। पॉइंट आप समझें कि जैसे जैसे हम यूनिट में आगे बढ़ते जाते हैं, फिजिक्स में आगे बढ़ते जाते हैं, आपको हर यूनिट में अलग अलग क्वांटिटीज मिलती हैं और उन सब क्वांटिटी को रिलेट करके हम उसका यूनिट, डायमेंशन, फॉर्मूला ये सब डिराइव कर सकते हैं। तो ओमेगा के लिए यूनिट क्या रहा? ओमेगा का यूनिट आया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आप किस में लिखते हैं? रेडियन में। और टाइम किस में लिखेंगे? पर सेकेंड में। तो रेडियन पर सेकेंड से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं डायमेंशन की, सो ओमेगा का डायमेंशन रहेगा, रेडियन का डायमेंशन कितना है? m0 l0 t0। केवल सेकेंड का डायमेंशन आएगा, तो s हम रिप्रेजेंट करते हैं t से, और उसका कितना पावर है? -1। तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन m0 l0 t0 एंड एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन t पावर -1। ठीक, नेक्स्ट। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, ठीक है। जब आपने लीनियर मोशन पढ़ा है तो लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन आप रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम से। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम से। और एंगुलर वेलोसिटी आपने लिखा है रेडियन पर सेकेंड डिवाइड बाई टाइम। टाइम सेकेंड में आएगा, दैट मीन्स अगर आप यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट ऑफ अल्फा इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर आप डायमेंशन की बात करेंगे तो अल्फा का डायमेंशन रेडियन के लिए m0 l0 t0 और टाइम आएगा आपका -2 में, ठीक है। नोट करें, नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम। जिस तरीके से मोमेंटम था m इंटू वी, उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम भी है। एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंट होता है l से, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है r क्रॉस p, और यहां जो p है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? मोमेंटम को। और जो r है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, यानी डिस्टेंस इनटू मोमेंटम, ठीक है। तो l का जो यूनिट डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये मीटर में आएगा, एंड मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं तो मोमेंटम आपका था m इंटू वी यानी मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी आपने लिखा था मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट विल बी किलोग्राम के लिए m1, मीटर दो बार आ गया तो l2, एंड टाइम अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट विल बी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -1। और अगर हम डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी किलोग्राम यानी m1, मीटर l2, एंड t -1। नोट करें, अपने प्रीवियस लिया है एंगुलर मोमेंटम। नाउ नेक्स्ट इज टॉर्क। टॉर्क रिप्रेजेंट होता है टो से, ठीक है, एंड कैलकुलेट किया जा सकता है आर क्रॉस एफ से। अगेन आर यहां पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और एफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम बात करते हैं यूनिट की तो डिस्टेंस का यूनिट वो क्या रहता है? मीटर। और फोर्स का यूनिट आपने लिखा था m1 l1 t-2 यानी किलोग्राम
मीटर सेकेंड माइनस टू, तो जो यूनिट रहेगा टॉर्क का वो आपको मिला किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू। और अगर हम डायमेंशन की बात करें जो आपके ब्रिक ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है, तो किलोग्राम रिप्रेजेंट होगा एम वन से, मीटर स्क्वायर यानी एल टू, एंड टाइम माइनस टू में आपने टाइम माइनस टू में रिप्रेजेंट कर दिया। यानी बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ अभी समझ में आ जाएगा या ऐसा कि आपको सारे फॉर्मूलेज अभी याद करने, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ये समझ रहे हैं कि किस तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी के यूनिट एंड डायमेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे आपको अलग अलग क्वांटिटीज मिलती जाएगी जिसके डायमेंशन यूनिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर एक टर्म आता है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, यह पढ़ते हैं रोटेशनल मोशन में और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। द टर्म इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट है एम आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो अगर हम बात करते हैं यूनिट, तो यूनिट ऑफ आई मास किसमें आप लिखेंगे किलोग्राम में, और डिस्टेंस किसमें लिखेंगे मीटर में, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो अगर हम डायमेंशन की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन लिखा जा सकता है एम वन एल टू, ठीक है, नोट करें। फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ग्रेविटेशन में, जहां पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी आया था जिसको आपने जी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अगर आपको डायमेंशन कैलकुलेट करना है तो आप फॉर्मूले चलो, फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। तो अगर आपको जी का डायमेंशन एंड यूनिट कैलकुलेट करना है तो पहले जी को सेपरेट करना होगा, सो वी कैन राइट जी एस एफ आर स्क्वायर बाय एम वन एम टू, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यूनिट, यहां से समझना यूनिट की बात कर रहे हैं, डिफाइन कर लेते हैं। तो यूनिट ऑफ जी ध्यान दें फोर्स, फोर्स हम क्या लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आर, आर यहां पे क्या रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो डिस्टेंस किसमें आएगा मीटर स्क्वायर। एम वन एंड एम टू ये दो पार्टिकल्स हैं मास पार्टिकल जिनके बीच में आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी एम वन और एम टू मास को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम। तो अगर हम यूनिट की बात करते हैं सो यूनिट ऑफ जी विल बी किलोग्राम माइनस वन में, बिकॉज ऊपर पावर वन नीचे पावर माइनस टू, डिस्टेंस क्यू एंड सेकेंड माइनस टू, यानी यहाँ पे डायमेंशन कैलकुलेट किया जा सकता है एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू से, नोट करें। नाउ नेक्स्ट इज प्रेशर, आप रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और प्रेशर का बेसिक डेफिनेशन होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। सो प्रेशर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया से। तो फोर्स, फोर्स आप लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया आप लिखेंगे मीटर स्क्वायर में, जो आपने यूनिट्स पहले सोल्व किया उसी का हम यूज कर रहे हैं। तो प्रेशर का यूनिट बन गया किलोग्राम एम पावर माइनस वन एस पावर माइनस टू, तो इसका डायमेंशन भी कैलकुलेट किया जा सकता है
तो प्रेशर का डायमेंशन रहेगा किलोग्राम में पावर वन, मीटर में पावर माइनस वन, सो एम वन एल माइनस वन एंड टी माइनस टू। ठीक है, नाउ 17 नाउ नेक्स्ट टर्म इज सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन आप रिप्रेजेंट करते हैं टी से एंड द फॉर्मूला इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स आपने सॉल्व किया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड लेंथ इज इन टर्म्स ऑफ मीटर, सो यूनिट क्या रहेगा किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशन क्या रहेगा एम वन एल जीरो एंड टी माइनस टू, एम वन एल जीरो एंड टी माइनस टू। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंटेंसिटी, सो इंटेंसिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से और इंटेंसिटी रिप्रेजेंट होता है पावर पर यूनिट एरिया। किससे रिप्रेजेंट होता है? पावर पर यूनिट एरिया। और पावर हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? वर्क अपॉन टाइम्स, सो वर्क अपॉन टाइम इनटू एरिया। ठीक, अब वर्क आपने किस तरीके से लिखा था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर हम फॉर्मूला वाइज बात करें तो वर्क का फॉर्मूला आपने लिखा था किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस माइनस टू, टाइम आपने रिप्रेजेंट किया एस से और एरिया आपने रिप्रेजेंट किया मीटर स्क्वायर से। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर हम देखें तो फॉर्मूला बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट और जो सेकेंड है वो ऊपर जाएगा तो वैल्यू रहेगा एस माइनस थ्री। तो इसका यूनिट कैलकुलेट हुआ किलोग्राम सेकेंड पावर माइनस थ्री एंड डायमेंशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं किलोग्राम के प्लेस पर एम वन एल जीरो एंड टी माइनस, नोट करें। यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, जिसको आप आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गैस इक्वेशन यहां पे बनता है पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। ठीक है, और हमें डायमेंशन कैलकुलेट करना है कैपिटल आर का, सो कैपिटल आर को हम सेपरेट कर सकते हैं, सो आर इज इक्वल टू पी वी बाय एन। अब यहाँ पे क्वांटिटीज किसको रिप्रेजेंट करिए वो पार्ट हम समझे। पी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर, वी रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम, एन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मोल एंड टी रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर। तो क्या इसका यूनिट बनाया जा सकता है? उस पर आप ध्यान दें। तो अगर हमें यूनिट फॉर्म करना है तो सबसे पहले आपको प्रेशर का यूनिट लिखना होगा। प्रेशर बनता है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया और फोर्स का यूनिट आपने क्या लिखा है? किलोग्राम मीटर एस माइनस टू, ये तो वह फोर्स पर यूनिट एरिया। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज प्रेशर वी कैन राइट एस फोर्स पर यूनिट एरिया। सेकेंड आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम आप लिखते हैं मीटर क्यूब में। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर क्यूब में आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मीटर क्यूब। नेक्स्ट मोल, जो एन रिप्रेजेंट करता है मोल में रिप्रेजेंट करता है और मोल के लिए मोल ही रहेगा क्योंकि इसका सिंबल आपका मोल ही है। एंड लास्ट इज टेम्परेचर,
टेम्परेचर हम किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं केल्विन। टेम्परेचर यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा इन केल्विन, तो बॉल मल्टीप्लाई बाय केल्विन। तो अगर आप इसको कंबाइन करें तो आपको मिलेगा किलोग्राम, मीटर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब, तो एक पावर बचेगा मल्टीप्लाई एम टू एस माइनस टू मोल माइनस वन, एंड टेम्परेचर आप किस में लिखेंगे केल्विन में, वो माइनस टू। ठीक है, तो डायमेंशन क्या जाएगा आपका, यहाँ से देखें किलोग्राम एम वन, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर सो एल टू, टाइम माइनस टू, मोल इनवर्स, एंड टेम्परेचर के इनवर्स, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आप रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्यू। ठीक है, और करंट का बेसिक डेफिनेशन आपको पता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। सो क्यू कैलकुलेट किया जा सकता है बाय मल्टीप्लाइंग करंट इनटू टाइम। सो आई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट, एंड टी क्या रिप्रेजेंट करेगा, टी रिप्रेजेंट करेगा टाइम को। तो क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम I इंटू टी से। तो अगर हम बात करते हैं यूनिट, तो यूनिट ऑफ क्यू करंट किस में रिप्रेजेंट होता है, एम्पियर में, और टाइम किस में रिप्रेजेंट होता है, सेकेंड में। सो एम्पियर इंटू सेकेंड रहेगा, तो डायमेंशन की अगर हम बात करें तो डायमेंशन बन जाएगा, एम्पियर आप रिप्रेजेंट करोगे ए से, और टाइम वो रिप्रेजेंट होगा टी से। सो ए टी फॉर्म किया आपने। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है, तो ध्यान देना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट आप रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, और आपने फॉर्मूला डिराइव किया है क्लासेस में, छोटी क्लासेस में, कि अगर दो चार्ज आर डिस्टेंस पर रखें तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स हम लिख सकते हैं के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर से। के हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ आर स्क्वायर बाय क्यू वन क्यू टू। ठीक है, तो इस बेसिक फॉर्मेट को हमें यूज करना है यूनिट एंड डायमेंशन को कैलकुलेट करने के। तो अगर हम बात करते हैं यूनिट की, तो के का यूनिट कैलकुलेट करना है फोर्स, फोर्स के लिए आप क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस टू, सेकेंड है आपका आर स्क्वायर, तो आर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, तो आर के लिए आप यूनिट लिखेंगे मीटर, सो मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय चार्ज। चार्ज आपने अभी कैलकुलेट किया है एम्पेयर इनटू टाइम, और चार्ज यहाँ पे डबल है, यानी एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय टाइम स्क्वायर। ठीक, सबको कंबाइन किया, कंबाइन करने पे एक किलोग्राम मीटर क्यूब एस माइनस टू और ए स्क्वायर, और टाइम किस में आता है, सेकेंड में, तो एस स्क्वायर हमने लिख दिया। अब इसका हमें कैलकुलेट करना है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो के का डायमेंशनल फॉर्मूला किलोग्राम आप रिप्रेजेंट करेंगे एम वन में, मीटर क्यूब यानी एल थ्री, टाइम, तो ये जो एस टू है ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ वैल्यू क्या बनेगा, एस माइनस फोर, तो टी माइनस फोर, और जो ए स्क्वायर ये ऊपर जाएगा तो वैल्यू रहेगा ए माइनस टू। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशन बना है एम वन एल थ्री टी माइनस फोर एंड ए बार माइनस टू। तो ये डिफरेंट मेथड है, यानी जैसे जैसे आप यूनिट में आगे बढ़ते जाएंगे अब अपने आप सॉल्व करते जाएंगे, बिकॉज अलग अलग यूनिट में अलग अलग फॉर्मूलेज आपके पास जनरेट होंगे, और जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसका यूनिट एंड डायमेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं।